बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दुबुद गए रजक बरनमर सब कुछ तर खुश आमदीद सरन मसला सुख सलाम उश पीश सरन उद ग स्पो बरनमा दरजक लुप मेहमान सबर अंदाजा वस्त कि ये मखती इलेक्शन द जी बी एल एस सिक्स गर्म जोशी में प्रचित कैंपेन स्ट्रित और हर ये कैंडिडेट खु मंशूर पेश सर खु कसावर द युथ वितर कोशिश सर तो हयो सिलसिला उद ग स्पो और लुप मेहमान लेफ्टिनेंट कर्नल उबैदुल्ला बेग उद कीमती वक्त जियोन खेत के उद गिदे सकें शामिल यो तालुक से करीम बोधन to conjure then was conjured GBLA 6 kumuzaine election it tai pakistan tehreek e insaf numaindai ya namzad umidwari to colonel sahab bahut bahut shukriya aapko waqt hame waqt dene ka aur hamare is program mein aane ka to aap hazirin se kuch ibtidai kalmat kehna chahenge to hum phir aage apne sawalat ki taraf jayenge bismillahir rahmanir rahim sabse pehle main वही चैनल का बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे हमजा के आवाम से बातचीत करने के लिए मौका बख्शा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त से जो है ना अपनी गुनागुन मसरूफियात को छोड़ के जो है ना हमें अपने वक्त दिया। कर्नल साहब आपसे मेरा पहला सवाल, क्या आपको लगता है कि गिलगित बल्तिस्तान में जो पार्लिमान है वो अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ अपनी पूरी नेकनीयती के साथ जो पार्लिमानी जिम्मेदारियाँ हैं उनके ऊपर वो अदा कर रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान में? मैं तो ये कहूँगा कि इससे पहले तो उन्होंने ठेकेदारी ही की है, दोनों पार्टियों ने एक दूसरे के साथ बारियां लगाई हैं। अलबत्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पहला और सबसे मजबूत यू कैन से कि मैंडेट ये लेके आई है कि सबसे पहले ये बल्दियाती इंतखाबात करा के जिनको इस तरह की एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें करनी चाहिए और जमहूरियत को ट्रिकल डाउन करना चाहिए उस पर यकीन रखती है और इंशाल्लाह हम गिलगित बल्तिस्तान में भी इसी तरह हम डिलीवर करेंगे। चले, क्या गिलगित बल्तिस्तान को वफाक की तरफ से जो फंड मिलता है वो जितना भी हो, क्या हुंजा के लिए और स्पेसिफिकली हुंजा के लिए वो फंड सही मानों में यूटिलाइज होता है आपकी नज़र में? पिछले अगर आप 10 साल का मुवाजना कराएं तो बिल्कुल हुंजा को उसका अपना हक बिल्कुल ही नहीं मिला। और पिछले 5 साल में तो गिलगित के साबिका वजीर आला ने हुंजा के डेवलपमेंट के जितने भी मेंबर के जो फंड्स होते थे वो सारे या हल्का 2 में लगाए हैं या हल्का 3 में लगाए हैं और हुंजा में कोई चीज़ नहीं लगी। 7 अरब का ऐलान किया था मगर 2 अरब भी नहीं लगे। कर्नल साहब, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आपने हुंजा के लिए अपनी सर्विस के दौरान या सर्विस के बाद जब आप सियासत में आए, हुंजा के अवाम के लिए आपने कौन कौन से अहम काम किए जिसको आज भी हुंजा के अवाम याद कर रहे हैं और आने वाले इलेक्शन में आपके लिए वो सपोर्टिव साबित हों? हुंजा के अवाम के लिए ये मैं आपको बता दूं कि हुंजा के अवाम ने जिस तरह 1947 में नगर के लोगों के साथ गजर के लोगों के साथ मिल के आज़ादी का चैप्टर खोला था, लाइक वाइज हुंजा के लोग आज भी जीबी के डेवलपमेंट में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। मगर पिछले 60 महीनों में से सिर्फ 20 महीने उनकी तंजीम कानून साजी से लेके जीबी असेंबली की दीगर चीज़ों में हुंजा की जो उसमें कह दें कि पार्टिसिपेशन सिर्फ 20 महीनों के लिए रही है और 40 महीने जीबी असेंबली कारी हफीज़ुर्रहमान ने माजूर असेंबली के तौर पे चलाया है। बाकी जहाँ तक आपने मेरा रेफरेंस दिया है तो मैं एक फौजी रिटायर अफसर होने के खाते में गिलगित बल्तिस्तान में आर्म सर्विसेज बोर्ड का डायरेक्टर रहा हूँ, तो उधर मैंने जो गिलगित और हुंजा नगर डिस्ट्रिक्ट के लिए जो हमारा ऑफिस था वो भी मैंने डोनेशन में बनवाया है और पूरे गिलगित बल्तिस्तान के लिए जो सूबाई सेक्रेटरीट के दें या डायरेक्टरेट के दें वो भी टोटल मैंने डोनेशन के पैसों से डबल स्टोरी और एक सर्विस मैन के लिए रेस्ट हाउस भी बनवाया। ये तो सोल्जर बोर्ड के हिसाब से। बाकी रही बात गिलगित बल्तिस्तान या हुंजा के लोगों के लिए या गजर के लोगों के लिए भी कह दें तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने गिलगित में एक असबा वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन के तौर पे पिछले मैं 3 साल से हूँ, तो उसमें स्किल डेवलपमेंट में हुंजा से गिलगित से इवन चित्राल तक से भी लोगों को
एक RSP के साथ एक मुआहदा करके उसमें हमने 104 लोगों को ट्रेनिंग्स दी थी और आज वो 104 के चार स्टेट बैंक में एज बैंक ऑफिसर जॉब कर रहे हैं। अदर नेम PWD के दें, गवर्नमेंट के जॉब्स के दें, फौज में के दें या इससे मुल्का इन आर्मी नेवी एयरफोर्स के दें, इनमें जो भी आया है मेरे पास उनको अगर वो FA पास या FSC पास था तो उसको आर्मी एज ऑफिसर के लिए मैंने उनको तैयारी करा के 1.5 साल लोग गए हुए हैं, सिपाही के लिए एयरफोर्स नेवी में भी 1.5 साल लोग। चले आपके खदमात को अगर गिनना शुरू करें, आप बोलना शुरू करें तो काफ़ी लंबी हो जाएगी, आपके वक्त की भी जो है ना कमी है। अगर आप इख्तदार में आ जाते हैं तो इख्तदार में आने के बाद हंजा और गोजाल के लिए आपने क्या क्या मंसूबे आपने आपके जहनों में है कि मैं गोजाल में और हंजा के लिए इन मंसूबों पे मैं काम करूं? एक तो मैं आपको ये बता दूं कि हंजा के लिए अभी हल्का में मेरा हंजा हल्का 6 है तो मैंने अपना मंशूर दे दिया है। मंशूर में ढेर सारी चीज़ें हैं, मोर देन 3 दर्जन के करीब वेरियस प्रोजेक्ट्स या वेरियस इनिशिएटिव्स हैं जिनमें सरे फहरिस्त हंजा के असीरों की रिहाई है। दूसरी चीज़ एडिशनल सीट के लिए हमने तगदो की हुई है। तीसरी चीज़ अभी इख्तदार में आने से पहले ही मैंने कोशिश करके जनरल मुजम्मिल हुसैन जो चेयरमैन वापड़ा हैं उनको इधर लाके उस पर काम भी फिजिकल स्टार्ट करवा दिया है और उन्होंने हंजा के अमायदीन और जिम्मेदारों के सामने 3.5 साल में 50 MW बिजली पैदा करके प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके कोई मोर देन 4600 जॉब्स के लिए भी क्रिएशन का उन्होंने वादा किया है। कर्नल साहब, आपने जो है ना असीरान की बात की तो मैं सवाल पूछना चाहूँगा कि असीरान की ये जो पिछले हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे अखबारों में देख रहे हैं तो आपके नाम भी आ रहे थे, क्या हकीकत क्या है? मैं सबसे पहले तो इस बोहतान की मैं सख्ती से मुजम्मत करता हूँ, इसमें मेरा हाथ या मेरा जबान इसमें बिल्कुल कोई मेरा किरदार नहीं है। जो भी मेरे बदखा हैं वो इसको गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं तो फिर भी एक छोटी सी ज़ात या मैं एक छोटा इंसान हूँ मगर इदारा मुकद्दस है और इदारे को जिस हिसाब से जिन लोगों ने भी इस तरह से बोहतान लगाई है मैं उस सोच को उस इस तरह करने वाले या इसको सोशल मीडिया पे सुनी सुनाई बात को बगैर तहकीक किए इस तरह आगे जो फैलाते हैं उसको मैं सख्ती से कंडम करता हूँ। और क्योंकि मैं ये लेटर जो लिखा गया है वो 2011 अगस्त का है, वेरेज में रीजनल काउंसिल का मैं 2012 11 जुलाई को सदर बना था। ATA लगाती है हुकूमत, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नमेंट हो चाहे वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट हो। पॉलिटिकल गवर्नमेंट में PPP थी, अगर वो मेहदी शाह से स्टार्ट होके आप इलाके के MPA या मेंबर तक तो उसमें PPP वाले जिम्मेदार हैं। अगर वो इसको सख्ती से रद्द करते तो ये कभी नहीं लग सकता था। और दूसरा जो PPP का जो सदर या एडवोकेट अमजद ने इस्माइली रीजनल काउंसिल का नाम दिया है, किसी बंदे का नाम नहीं दिया मगर रीजनल काउंसिल का नाम दिया है, मैं उसको भी कंडेम करता हूँ। अगर वो इस तरह का अच्छा वकील होता या PPP वाले अच्छी वकालत अगर करते तो जब ये GB असेंबली ने तो इस तरह का ATA का कोई कानून ही पास नहीं किया इस एडाप्टेशन के खिलाफ, ये कोर्ट में जाके ना ये ATA लग सकता था ना ये गिलगित बल्तिस्तान में एडाप्ट हो सकता था। और मोर ओवर हंजा पीसफुल एरिया है, इधर तो कोई दहशतगर्द आपको नहीं मिलेगा। जिसने भी किया है हंजा के साथ ज्यादती की है, हंजा के बेटू के साथ ज्यादती की है, हंजा वालों को कत्ल भी किया, हंजा वालों पर ATA भी लगाया, हंजा वालों को अभी तक 10 सालों से मैं तो इन्हीं वकीलों को पुअर प्रोसिक्यूशन और पुअर एडुकेसी को मैं मुरद इल्जाम ठहराता हूं। चले जरा हट के इस वक्त हंजा और गोजाल में जो है ना ज़मीनों के तनाज़ात काफ़ी जो है ना ज़ोर शोर से मुख्तलिफ एंगल से जो है ना ज़मीनों के तनाज़ात है, कुछ अदालतों में हैं। अगर आप गवर्नमेंट में आ जाते हैं, आप जीत जाते हैं तो इन तनाज़ात को हल करने के लिए आप क्या किरदार अदा करेंगे? सबसे पहले तो ये मैं आपको बताऊं कि इसमें भी एक आज सियासी पार्टी हक मलकियत और हक हाकिमियत का झूठा नारा, जिस तरह इन्होंने रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगाया था इसी तरह एक और घिनौना नारा लेके आए हैं। बाकी हंजा में ये मैं आपको बता दूं कि 1974 तक ये स्टेट रहा है, स्टेट के ऑर्डर्स थे और हुकूमत पाकिस्तान ने इसको अपने फैसलों के साथ हुकूमत में शामिल किया हुआ है। इधर कस्टमरी लाज चलते हैं, कस्टमरी लाज के हिसाब से इधर ज़मीनें, चरागाहें, पहाड़, दरिया या खाई के एरिए कोई चीज़
इधर खालसा नहीं है, ये अवाम की मलकियत है, ये गांव की मलकियत है, इधर बसने वाले लोगों की मलकियत है, तो इसमें दूसरी राय को मैं रद्द करता हूँ, कोई इस चीज है ही क्या? इस बात का आपको एहसास है कि हुंजा गोजान में नौजवानों की अगर बात की जाए तो रोजगार की जो है ना बेरोजगारी की इशारा काफी बिल्कुल मैं आपकी बात को आगे आपकी क्या आप आपकी क्या पॉलिसी होगा रोजगार देने? पिछली दोनों गवर्नमेंटों ने हुंजा वालों को दीवार से लगाया, केएसएफ बनी सिर्फ एक या दो हुंजा वाले आए, जबकि इतने किलोमीटर के हिसाब से देख लें तो दरा खुंजराब से लेके इधर खिजराबाद तक या नासिराबाद पुल तक जितना एरिया बनता है उस हिसाब से हुंजा वालों का हक था, मगर इस डिस्ट्रिक्ट को उसका हक नहीं दिया गया। जिसने भी इसको प्ले किया हम उस सोच की बिल्कुल नेगेट करते हैं, और आइंदा इस इलाके में चाहे लिवीज का है, चाहे इधर ग्रेड वन से नाइन का है या मुकाबले के इम्तिहान है, हुंजा से पिछली दोनों गवर्नमेंटों में एक गोल्ड मेडलिस्ट एम्प्लॉयमेंट में नहीं लगा, चाहे यूनिवर्सिटी का हो, कॉलेज का हो, और मुकाबले के इम्तिहान या इधर इन्होंने सिटी एसपी के नाम पे जो गदर किया तीन चार तरीकों से, कारी हफीज रहमान और उसकी टीम ने हर जगह के लोगों से पैसे बटोरे हैं, नौकरियां बेची हैं, अकरबा परवरी की है, और हर लिहाज से दोंस दंदली चोरी धक्के से अपने लोगों को लगाया है नौकरियों पर, और हुंजा वालों को बिल्कुल दीवार से लगा के दीवार भी गिरा दी है। तो हम आएंगे तो मेरिट शफाफियत हक और इंसाफ के हिसाब से हकदार को अपना उसकी मेरिट के हिसाब से नौकरी मिलेगी। आपकी खिदमत जो है ना पाक आर्मी में उसकी हम बात नहीं करेंगे, वो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। सियासत में आने के बाद आप खुद को किस तरह साबित करेंगे कि आप ही वो शख्सियत हैं जो GBLA6 के जो है ना पसंदीदा और बेहतरीन नुमाइंदा है? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि जिसको इमरान खान जैसा इंटरनेशनल यू कैन से लीडर्स किसी को अगर किसी मेरिट पे किसी कसौटी पे फिर उसने आगे जो पार्लिमानी बोर्ड बनाई है एक से एक जहाँ दीदा एक से एक यू कैन से कि मर्दुम चिनास लोगों की टीम के जरिए 100 के करीब लोग गए थे, उनमें से इन्होंने 18-19 लोगों को टिकट दे दिया है, तो क्या आपके ख्याल में मेरिट के हिसाब से इन्होंने नहीं किया? जिसने भी बोहतान आपने मुझसे किया कर्नल साहब आपका मैं बता दूं, बोहतान जो भी लगा रहा है, मैंने हबीब बैंक में अप्लाई नहीं की थी, मैंने PTI में अप्लाई किया था टिकट के लिए, PTI की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी या PTI की जो पार्लिमानी बोर्ड था उसने मेरिट पे ये टिकट दिए हैं, सिर्फ मुझे नहीं दीगर पूरे जी। अच्छा अगर आपने मुझसे सवाल किया है कि ये जो भी आपने किया आपके एक अहदेदार ने जो आज इस वक्त आपके साथ शामिल हैं उसने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले जो जब टिकट मिला PTI ने टिकट जब दिया तो आपके एक तदावर जो सियासतदान है कारकुन है उसने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि ये फलां शख्स का नाम भी बताया कि उसके सिफारिश पे ये आया है और ये अहलियत नहीं रखता है, और आज वो आपके साथ शामिल है, वो कौन सा अहलियत उसको नज़र आया कि आप दोबारा जो है ना फिर आपके साथ वो शामिल हुआ है? मैं हर एक के अपने नज़रिए की मैं उनकी कदर कर लेता हूँ, अलबत्ता मैं अपने अगर आप डिफेंसिव उस हिसाब से कहते हैं या हक के हिसाब से भी कहते हैं तो आई एम दी वन हु इज वाइस प्रेसिडेंट एट प्रोविंशियल लेवल हुंजा के हल्के से, आई एम दी वन मैं अगर इस्माइली रीजनल काउंसिल के उन खिदमात का देख लें तो आई एम दी ओनली वन हु हैज who held the presidentship in regional council. फिर इसी तरह मैं सिटिंग में भी गाजियान गिलगित बल्तिस्तान का सदर हूँ, मैं इस वक्त भी हिलाल अहमर गिलगित बल्तिस्तान का BODs का डायरेक्टर हूँ, मैं LSOs या सोशल वर्क के हिसाब से भी असबा वेलफेयर ट्रस्ट जो कि पानी में हेल्थ में एजुकेशन बिल्कुल बिल्कुल आपने जिक्र किया मैंने नोट किया है मैं उसका भी सदर। PTI इस वक्त दो गुरु में बटा हुआ है, उस नाराज ग्रुप को इस आपके जो इमरान खान ने जिसको टिकट दिया है गालिबन आप ही है, तो आपके आप उनको अपने साथ शामिल करने के लिए आपका क्या लाई अमल है? तो इंशाल्लाह वो कुछ सियासी पार्टी के कुछ लोगों ने अपनी रिश्तेदारियों के जरिए फर्स्ट किंग्स के जरिए हमारे कुछ जिम्मेदारों को अपने साथ मिला के हमारे इस पार्टी के काज को नुकसान पहुँचाने की कोशिश भी की है, जिसकी तस्वीरें कल की नहीं परसों की एक
पीपीपी के दफ्तर में हमारे सदर का और मतलब डिस्ट्रिक्ट सदर और अलियाबाद तहसील के सदर दोनों की उस सदर की कंपेन करते हुए मैं आपको एक प्रूफ के तौर पे दे सकता हूँ सोशल मीडिया पे, तो आप देख लें तो आपको हकीकत सामने नज़र आएगी कि ये कितनी लंबी साजिश पीटीआई के खिलाफ किसी एक और सियासी पार्टी ने की थी। अलबत्ता हमारे पास वो पीटीआई के पास कैपेसिटी है, वो कैपेबिलिटी है, वो रिसोर्सेज हैं, वो हमारे पास यूथ है कि हम इस तरह के करप्ट पार्टी सिस्टम चोरी चकारी वाला वो ठेकू में तो कर सकते हैं, सियासत में नहीं कर सकते और स्पेशली हुंजा में उनको मुक्की खानी पड़ेगी। अच्छा, मैं आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा क्योंकि वक्त की भी आपकी जो है ना आपके पास कमी है। चुपुरसन के पूरे अवाम जहाँ 2190 वोट है इस वक्त नो वोट नो रोड के स्लोगन पे जो है ना वो इलेक्शन का बायकॉट कर रहे हैं। आप गालिबन कुछ दिनों पहले आपका जो है ना वहाँ पे दौरे भी हो गया, लाजमी बात है आपका गुफ्तगुशनीद भी हुआ होगा, लेकिन उसके बाद जो है ना कल के उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है ना उन्होंने बायकॉट किया, तो इसके लिए आपके पार्टी का और आपका क्या लाइया मान कि आप किस तरह जो है ना चुपुरसन के अवाम के उस डिमांड को पूरा करेंगे और यकीन दहानी करेंगे कि अगर आप इलेक्शन में जीत के आप GBLA 6 के रिप्रेजेंटेटिव आएंगे तो आप इनके यकीनन वो एक जेन्युइन इशू है उसको रिजॉल्व करने के लिए आपका क्या प्लान है? मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरह पिछली पार्टियों ने इनको धोखा देके मुख्तलिफ लारे देके इस तरह वोट तो ले लिए मगर एक ने भी काम नहीं किया, बट इस दफा मैं आपको बता दूं कि इमरान खान जो बात कहता है वो करके दिखाता है और उसके जो भी साथी टाइगर्स सिपाही कहते हैं या जो भी उसके फील्ड में काम करने वाले हम लोग हैं तो इंशाल्लाह हम अपने रहबर लीडर कायद के तरह ही हम काम करने वाले। मैं भी ज़रूर ये मैं आपको बताऊं कि 10 साल हो गए मैं सियासत में आए हुए बट मैं उसी तरह ही का फॉलोअर हूँ जिसका अल्लाह ने भी कहा है आप ऐसी बात करते ही क्यों हो कि जिस पे तुम अमल नहीं करते। तो इंशाल्लाह अजीज मुझे अपने आप पे, मुझे अपने लीडर पे, मुझे अपने इलाके के अवाम पे यकीन है। हम इन 5 सालों में जिस ठेकेदार ने पहले ठेका लेके सब लेट कर कर के काम भी नहीं किया उससे भी हम काम पूरा लेंगे और रिमेनिंग पोर्शन ज़ियारत तक हम न सिर्फ चुपुरसन का काम कंप्लीट करेंगे मेटल रोड बल्कि हम शिमशाल का भी और इसी तरह खिजराबाद से लेके नासिराबाद बल्कि करीमाबाद से लेके अलतीत और हमदाबाद अहमदाबाद तक भी इन सारी रोड्स को मेटल करके दिखाएंगे इंशाल्लाह अजीज। हमें हमारे हुकूमत पे, हमारे लीडर पे, हमारे पार्टी के मंशूर पे, हमें अपने आप पे भी इसी तरह ही। आखिरी एक सवाल है कि हम अपने हमारा वक्त का जो है ना खात्मा हो रहा है, कहीं ऐसा ना होगा कि इस वक्त जो है ना हुंजा की सियासत अगर सरकार की मशीनरी इस्तेमाल नहीं होती है तो क्या आपको लगता है कि हुंजा में इस वक्त 3 मेन कैंडिडेट है जिसमें आप है सरफरिस्त कर्नल उबैदुल्ला साहब, नूर मोहम्मद साहब और जहूर एडवोकेट साहब, कहीं ऐसा ना हो कि मामला खराब हो जाए, वोट का जो है ना मकदार कम हो जाए और आप इलेक्शन हार जाए, कहीं ऐसा ना होगा कि इलेक्शन के बाद फिर आप जो है ना हुंजा छोड़ के कहीं और जो है ना चले जाएंगे। जब से मैं इलेक्शन में आया हूँ ये मैं आपको बताऊँ कि मैं दूसरों की तरह ना मैं अमेरिका गया हूँ, ना मैं दुबई जाके नौकरी की है, ना कोई इस एरिए में भी मैंने बिजनेस किया हो। मैं अपने एरिए में अपने लोगों के साथ दिन रात, चाहे किसी का इंडिविजुअल हो चाहे किसी का कलेक्टिव काम हो, मैं एक अपने विजन एक कन्विक्शन के साथ अपनी पार्टी और अपने लीडर के साथ कन्विक्शन के साथ इस एरिए में हूँ और इंशाल्लाह मैं पहले भी जीता था मगर नून लीग ने गदर करके मेरे साथ ज्यादती की, न सिर्फ मेरे साथ बल्कि इलाके के साथ और आपने उसका हशर देख लिया। बट ये है कि मैं अपने एरिया में रहा हूँ, लोगों का काम किया है और आइंदा भी, और ये मैं आपको बताऊँ कि मेरी डिक्शनरी में इस दफ़ा हारने वाली बात या पिछली दफ़ा भी हारने वाली बात है ही नहीं, मुझे अपने अवाम पे उससे बढ़ के कहीं अल्लाह पाक पे और फिर तीसरे स्टेज पे अपने आप पे यकीन है कि मैं
तगो दो करने वाला हूँ और मसाइल को हल करके लोगों को खिदमत का उनके लिए खिदमत करके अपने आप को तस्कीन देने वाला। हमारी दुआई है आपके साथ है कर्नल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। कर्नल उबैदुल्ला बेग GBLA 6 हुसैन इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नामजद उम्मीदवार दो चरण की यो जीत होस्त दम बात कन वक्त। थैंक यू वेरी मच। फी अमानिल्लाह। पीटीआई जिंदाबाद। हम जाके अवाम पाइंदाबाद।